देश में बढ़ती कैश की किल्लत के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की ओर से सफाई पेश करते हुए कहा है कि कुछ जगहों पर अचानक मांग बढ़ जाने से कैश की दिक्कत सामने आई है। उन्होंने कहा, जहां कहीं भी कैश की दिक्कत है उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद निकायों में भारत ने 6 चुनाव जीते हैं। इन चुनाव में 5 में देश ने सर्वसम्मति से जीत हासिल की है। साथ ही भारत को 4 संयुक्त निकायों के कार्यकारी बोर्ड में स्थान मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को अनिवार्य करने की सरकार की दलील पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आधार का डेटा लीक होने से चुनाव के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि राफेल सौदे और नीरव मोदी मामलों पर मोदी लोकसभा में 15 मिनट भी खड़े होकर जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार के लिए समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स और पत्रिका द न्यूयॉर्कर को यौन उत्पीड़न व यौन दुर्व्यवहार के खुलासे के लिए संयुक्त रूप से चुना गया है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ सकता है। दरअसल गृह मंत्री की सिफारिश के बाद उपराज्यपाल ने आप सरकार के 9 सलाहकारों को हटा दिया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नरमी दिखाते हुए ताजमहल पर अपना दावा छोड़ने का फैसला किया है। बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह ताजमहल के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा। हैदराबाद के श्री रंगनाथ मंदिर में सामाजिक सद्भावना की मिसाल पेश की गई है। मंदिर के पुजारी C.S. रंगराजन ने एक दलित भक्त आदित्य पारासारी को अपने कंधे पर उठाकर मंदिर के दर्शन कराए। एक के बाद एक उजागर हो रहे बैंकिंग घोटालों को लेकर संसद की एक समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को तलब किया है। समिति ने उन्हें 17 मई को पेश होने को कहा है। साल 1998 में रोड रेज की घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों का कहना है कि नवजोत सिद्धू को फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए।